21वीं सदी शुरू होने के बाद क्रिकेट प्रेमी लगातार बढ़ते जा रहे थे और क्रिकेट मिलियन डॉलर स्पोर्ट बन चुका था। लेकिन अगली चुनौती थी कि क्रिकेट को बिलियन तक कैसे ले जाया जाए, और लगा कि इसमें कम से कम 2 से 3 दशक लग जाएंगे। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति क्रिकेट में आया जिसने एक साल में यह कारनामा कर दिया। नाम था ललित मोदी। आपको बता दें कि ललित मोदी साल 2008 में आईपीएल के चेयरमैन बने, आईपीएल की शुरुआत की और क्रिकेट बन गया बिलियन डॉलर स्पोर्ट। ललित मोदी आईपीएल में और क्रिकेट जगत में पूरी तरीके से छा चुके थे। फिर ललित मोदी के धांधली की खबरें आई। ललित मोदी पर आरोप लगा कि उन्होंने फिक्सिंग की है और साथ ही उन पर अरबों की हेरा फेरी के आरोप लगे और वह आरोपी बन गए। और इसके बाद आईपीएल से ललित मोदी गायब हो गए और अब ललित मोदी बन गए हैं सुष्मिता सेन के होने वाले पति। आपको बता दें कि ललित मोदी ने इस कामयाबी को पाने के लिए तमाम हदें पार कर दी। ललित मोदी ने अपने घर हो या फिर आईपीएल, तमाम चीजों में हदें पार करके इस मुकाम को पाया। 56 साल के मोदी अपनी पूरी जिंदगी कई बार चर्चाओं में रहे। आज आपको उन्हीं के जीवन की कुछ अन्य चर्चाओं के बारे में बताएंगे। ललित मोदी की बात करें तो उनके पिता का नाम कृष्ण कुमार मोदी, उनके पिता उद्योगपति, उनके दादा गुजरमल मोदी मोदी ग्रुप के फाउंडर रहे। साथ ही उन्होंने मोदी नगर शहर को भी बसाया। उनके घर में पैसे की कमी कभी नहीं रही। कृष्ण कुमार मोदी यानी कि ललित मोदी के पिता चाहते थे कि ललित मोदी पैसों की इज्जत करें। इसके लिए उन्हें शिमला के बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया। ललित मोदी ने अमेरिका में पढ़ने की जिद की, पिता मुश्किल से माने और अमेरिका भेज दिया। इसके बाद ललित मोदी की डिमांड लगातार बढ़ती चली गई। उन्होंने गाड़ी को लेकर डिमांड की, जिसके बाद पिता ने उन्हें $5,000 दिए और कहा कि वह कोई पुरानी गाड़ी खरीदे। लेकिन ललित मोदी ने इसके बाद एक मर्सिडीज कार इंस्टॉलमेंट पर ले ली और 5,000 की पहली किस्त भी चुका दी। साथ ही एक बार उन्हें अमेरिका में 400 ग्राम कोकीन के साथ भी पकड़ा गया। इसके बाद ललित मोदी एक बार फिर चर्चा में आए। ललित मोदी की मां की दोस्त मीनल सगरानी से उनकी मुलाकात हुई। मीनल उम्र में ललित से 10 साल बड़ी थी, लेकिन ललित उनसे प्यार कर बैठे। इसके बाद परिवार ने विरोध जताया। ललित ने मीनल से शादी की इच्छा जताई और परिवार के विरोध के बावजूद भी उन्होंने शादी की। ललित को लंबे समय के लिए परिवार से जुदा कर दिया गया और उन्हें बिजनेस से दूर रखा गया। मुंबई में ललित रहने लगे और पिता उन्हें खर्चे के लिए कुछ पैसे भेजने लगे। साल 1992 में ललित एक बार फिर बिजनेस में लौटे और उन्होंने अमेरिकी सिगरेट कंपनी गॉडफ्रे फिलिप्स के भारतीय बिजनेस के एग्जीक्यूटिव के रूप में काम शुरू किया और वह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। आपको बता दें कि उस वक्त सिगरेट कंपनी दूसरी सबसे बड़ी भारत की कंपनी थी। आगे चलकर मोदी ने मीनल के पिता का घर भी खरीदा और उन्हें वापस भेंट कर दिया। कहानी आपको अच्छी लगी, लेकिन बता दें कि उनका घर एक बार आग के हवाले चढ़ गया और बाद में खबरें आई कि इंश्योरेंस कंपनी से मोटी रकम के लिए ललित मोदी ने यह काम किया था। क्रिकेट में एंट्री को लेकर बात करें तो ललित मोदी ने साल 1993 में मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क की शुरुआत की। ESPN के साथ भी डिस्प्यूट करने का मौका मिला। ESPN भारत क्रिकेट टीम के कई मैच को लाइव टेलीकास्ट करता था। आपको बता दें कि इसी के बाद ललित मोदी ने क्रिकेट की ताकत को पहचाना और उन्हें एहसास हो गया कि क्रिकेट का मार्केट बहुत बड़ा है और यहां पैसा अच्छा कमाया जा सकता है, अरबों रुपए की कमाई की जा सकती है। तभी इनके दिमाग में आया IPL का आइडिया और इसी आइडिया को लेकर ललित मोदी ने खुद क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में आने का फैसला किया और इसके बाद वह हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन में चले गए। जब वहां लगा कि बात नहीं बनेगी, तब ललित मोदी ने राजस्थान की ओर रुख किया। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में घुसने का फैसला किया और उन्होंने नागौर से जिला क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव लड़ने का भी फैसला किया। लेकिन वह हिमाचल से जुड़े हुए थे और क्रिकेट नियमों के अनुसार एक नाम के दो व्यक्ति कभी भी दो पदों पर नहीं रह सकते थे, तो ऐसे में उन्होंने ललित कुमार मोदी के बदले अपना नाम किया ललित कुमार। आपको बता दें कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के वह अध्यक्ष भी बने और उस समय राजस्थान में सरकार थी वसुंधरा राजे की। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ उनके अच्छे रिश्ते थे, जिसके चलते वह राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी बने। इसके बाद ललित मोदी IPL के आइडिया को दिमाग में लिए उस समय के BCCI अध्यक्ष जगमोहन डालमिया के पास गए, लेकिन डालमिया ने ललित मोदी के इस आइडिया को पूरी तरीके से फेल बताया। और इसके बाद डालमिया के कॉम्पिटिटर शरद पवार से ललित मोदी की मुलाकात हुई। शरद पवार को लगा कि ललित मोदी का ये आइडिया काफी कुछ अच्छा कर सकता है। डालमिया को हराकर शरद पवार BCCI के अध्यक्ष बने और ललित मोदी को IPL शुरू करने की जिम्मेदारी दे दी। बस फिर क्या था, ललित मोदी के दिन फिर गए। आपको बता दें कि ललित मोदी इसके बाद IPL के चेयरमैन बने, देश दुनिया में सफर करने लगे। उन्होंने अपने लिए एक प्राइवेट जेट रखा। यह प्राइवेट जेट चैलेंजर 300 लग्जरी 8 सीटर जेट था। उस समय जेट के एक घंटे का किराया लगभग 3 लाख रुपए था और ललित मोदी उसे हमेशा अपने पास उपलब्ध कराते थे। 2400 घंटे वह उनके पास रहता था। जब उनका मन आता वह जेट में उड़ते और दिन में 4-5 अलग अलग
जगहों पर शहरों पर दौरा करने के लिए निकल जाते। लोग कहने लगे कि ललित मोदी जेट को टैक्सी की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आईपीएल की शुरुआत हुई और घोटाले का खुलासा हुआ। उस दौरान एक महिला का नाम सामने आया जिसका नाम था लैला महमूद। बाद में जब जांच हुई तब पता लगा कि लैला महमूद उद्योगपति विजय माल्या की सौतेली बेटी थी और ललित मोदी ने उन्हें अपना पीए यानी कि पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर भी काम पर रखा था। अब ललित मोदी एक बार फिर से चर्चा में है। ललित मोदी ने हाल ही में ट्वीट किया और बताया कि वह बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन को डेट कर रहे हैं। बहरहाल आपकी क्या कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वन इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।